हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अली। आप देख रहे हैं अली फिटनेस। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि सप्लीमेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं एक फिटनेस फ्रीक की लाइफ में, या बॉडी बिल्डिंग में क्यों सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये बहस काफ़ी लंबी है और काफ़ी टाइम से चलती आ रही है कि सप्लीमेंटेशन जो है फिटनेस इंडस्ट्री में, या बॉडी बिल्डिंग, जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, या आर्टिफिशियल हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। बहुत सी मिथ्स आपने की सुनी होंगी कि ये तो पाउडर से बनाया है, इसने अपने आप को किसी ने डब्बा यूज़ किया है, या फिर अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं यार, ये तो बॉडी नकली है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग स्टीरॉयड्स को और सप्लीमेंट्स को आपस में मिक्स कर देते हैं, जो कि बहुत ही अजीब है। लेकिन स्टिल, जिसको नॉलेज नहीं है, जो दूर से चीज़ों को देख रहा है, उनको यही लगता है कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी एक टाइप है एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स की। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो नेचुरल आपकी डाइट है वो बिल्कुल ही यूज़लेस है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और सप्लीमेंट्स में या जो आपके फूड सप्लीमेंट्स आते हैं वही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बाकी डाइट फजूल है। लेकिन अब सिचुएशन फ्रेंड्स कुछ ऐसी है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, लोगों के पास टाइम कम है, टाइट स्केड्यूल्स हैं, और आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए और क्विक रिजल्ट्स चाहिए, जल्दी चाहिए, ठीक है। अब होता यह है कि सम टाइम लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको एक बैग में कुछ ऑब्जेक्ट्स मैं डाल दूँ, जो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए वो डाल दूँ और साथ तीन एक्स्ट्रा डाल दूँ, तो आप पे बर्डन ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा चीज़ें उठानी पड़ेंगी, ठीक है। ठीक उसी तरह जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो किसी ऐसे मील सोर्स से, कोई ऐसे फूड आइटम से जिसके साथ आपको फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, तो उसी तरह आपकी डाइजेशन पर स्ट्रेस पड़ता है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से कोई बंदा है जिसको कैल्शियम चाहिए, बट वो योगर्ट या मिल्क की फॉर्म में ले रहा है जिसमें उसको साथ फैट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। सो स्टिल अगेन, जो चीज़ हमें चाहिए थी वो तो मिल रही है, लेकिन उसके साथ एडिशनल जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो भी साथ आ जाती हैं। फूड सप्लीमेंट्स का रोल वहाँ पे प्ले होता है जब आपको स्पेसिफिकली एक एक चीज़ चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक डायबिटिक पेशेंट है, अब वो किसी किस्म की शुगर नहीं ले सकता, वो फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खा सकता, एज दे कंटेन लॉट ऑफ शुगर, ठीक है। तो क्या वो अपने जो लेट्स से विटामिंस हैं, मल्टी विटामिंस, वो क्या लेना छोड़ दें? या कोई ऐसा इंसान है जिसको लैक्टोज से एलर्जी है, तो उसको क्या वो दूध पीना छोड़ देगा? ऑब्वियसली बात है, दूध नहीं पी सकता क्योंकि लैक्टोज फ्री मिल्क भी मिलता है, बट अगर लेट्स उसको सिर्फ कैल्शियम ही चाहिए बिकॉज उसकी नीड जो है वो कैल्शियम है, तो कैल्शियम उसको सप्लीमेंटेशन फॉर्म से मिल जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल काफ़ी अच्छी सी है, सी एम एक्सी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आपको जो चीज़ चाहिए, चाहे वो मल्टी वाइटामिन हो, चाहे वो मिनरल हो, वो आपको एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में मिल सकती है। अब क्या इजी होगा, एक एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में कैल्शियम की पिल, या आप कोई ऐसा फूड आइटम कंज्यूम करें जिसमें आपको साथ फैट्स भी मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक काफ़ी सिंपल होगा। अब जब बात आती है फिटनेस में या बॉडी बिल्डिंग में, तो काफ़ी ज़्यादा मील्स होते हैं बॉडी बिल्डर्स के। मैं ये नहीं कहता कि वो सिर्फ सप्लीमेंट्स पर ही रिलाई करते हैं, बट प्रोटीन सप्लीमेंट्स का मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छा यूज़ और सबसे बेनिफिट वो कब होते हैं, जब आपके पास टाइम बहुत कम है, स्केड्यूल है वो बहुत टाइट है, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो अब उस टाइम में आपको करना ये है कि आप लेट्स से अपनी एक्सरसाइज को फिनिश करते हो, उसके बाद अब ये बहुत कम होता है, बहुत कम लोग हैं, स्टार्टिंग में लोगों में थोड़ा सा जज्बा जोश होता है, बट आफ्टर वर्कआउट कोई ईटेबल आइटम जो प्रोटीन का है वो खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आपके समर्स चल रहे होते हैं, तो इट्स हेल्थ डिफ़िकल्ट कि आप अपना वर्कआउट फिनिश करो, उसके बाद आप जो है वो एग्स खाने के लिए आप रेडी हो जाओ, तो ये बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा बताता हूँ कि वर्कआउट के बाद हमेशा गो फॉर ड्रिंकेबल प्रोटीन सोर्स, ना कि ईटेबल, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपका दिल नहीं करता, समटाइम वॉमिट भी हो जाती है, समटाइम आपको दिल ख़राब हो रहा होता है, स्पेशली जैसे मैंने बताया समर्स में।
तो वहाँ पे प्रोटीन का सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलता है कि आप एक ऐसी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो जिसमें सिर्फ आपको प्रोटीन मिल रहा है, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा ताकि आप अगली जो प्रोटीन की सर्व है, जो भी आपका लेट्स से आप जो भी अगले आप जो है आप कोई बॉयल एग खा रहे हो या चिकन खा रहे हो, लेकिन अगली शिफ्ट आपकी आपको जल्दी मील का टाइम मिल जाएगा क्योंकि प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट होता है। उसके बाद एक बॉडी बिल्डर या जो फिटनेस फ्रीक होता है वो इतने शुगर आइटम्स नहीं कंज्यूम कर सकता, तो मल्टी वाइटामिन उसके लिए सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है कि वो अपने मल्टी वाइटामिन अपने मिनरल्स को सप्लीमेंटेशन के थ्रू पूरा कर सके। सो ये बेसिकली सारी लॉजिक है कि आपका टाइम बचता है, आप इफेक्टिवली एफिशिएंसी के साथ अपनी परफॉर्मेंस देते हो और आपको बहुत सी चीज़ें करने में आसानी होती है, आपका टाइम बचता है। आप कहीं लेट हो रहे हो कोई मील के लिए, आपको जल्दी प्रोटीन सोर्स चाहिए, प्रोटीन में क्या है, सिंपल आपने एक पाउडर पाउडर फॉर्म में आपने उसको पानी में मिक्स किया और आपने उसको पी लिया, दैट्स इट। अब ये देखें कि जो प्रिपरेशन टाइम है क्या है, आपने उसका जो जार है वो खोला, स्कूप निकाला, पानी में लिया और आपने, और जो कंज्यूमिंग कंजम्पशन है वो कितनी फास्ट है कि आपने सिर्फ स्कूप निकाला है और आपको पीना है, दैट्स इट। आपको उसके ठंडे होने का या कोई उसके पकने का वेट नहीं करना, आपने दैट्स इट, आपने प्रोटीन निकाला और आपने रेडी टू गो। अक्सर लोग जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं वे के मामले में कि जो ये वे प्रोटीन होता है ये किस तरह से बनता है और क्या ये क्या इसमें क्या केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली मिल्क से ही बनता है, ये कोई इसमें नया फंडा नहीं है कि आप इसको सोचोगे यार ये बना किस तरह से, सिंपली ये बायो प्रोडक्ट है मिल्क का, वे उससे बनता है। बात अगर कर ली जाए स्टीरॉयड्स की, लोग कहते हैं कि जी सप्लीमेंट्स भी जो है वो स्टीरॉयड टाइप होते हैं उनका भी इफेक्ट, ऐसा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टीरॉयड्स एक अलहदा दुनिया है और जो सप्लीमेंटेशन है वो नेचुरल फ्रूट से ही एक्सट्रैक्टेड की जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, कैल्शियम दूध से एक्सट्रैक्टेड है, डिफरेंट जो मल्टी वाइटामिन्स हैं जैसे कि आप कहें कि वाइटामिन सी वो फ्रूट से है, लेट्स से ऑरेंज एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बहुत से ऐसे आपके मैग्नीशियम है, पोटेशियम है जो कि आपकी वेजिटेबल्स से एक्सट्रैक्टेड होते हैं। तो ये कहना कि बड़ा अजीब लगेगा कि भाई ये तो आर्टिफिशियल एंड ऑल दैट, ये सिर्फ एक एक्सट्रैक्टेड फॉर्म होती है जो आप तक पहुंचाई जाती है ताकि वो चीज़ आपको सिर्फ वो एलिमेंट मिल सके, वो चीज़ मिल सके जिसको आप चाह रहे हो अपनी डाइट में ऐड करना, ना कि आपको उसके पीछे अननेसेसरी कार्ब्स, अननेसेसरी फैट्स और एडिशनल चीज़ें उसके आपको साथ में रखनी पड़े। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को यूज़फुल लगी होगी और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।